शिवपुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपना टिकट लौटाते हुए पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को लिखी चिट्ठी है। इसमें सुचरिता ने चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं मिलने की बात कही है। सुचरिता ने चिट्ठी में लिखा, मैं एक पेशेवर पत्रकार थी जिसने 10 साल पहले राजनीति में प्रवेश किया था। मैंने पूरी में अपने कैंपेन में अपना सब कुछ झोंक दिया। मैंने पब्लिक डोनेशन की भी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। बिना पार्टी फंडिंग के चुनावी कैंपेन संभव नहीं होगा। सुचरिता ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मेरे टिकट लौटाने का पहला कारण यह है कि पार्टी मुझे फंड नहीं दे पा रही थी। दूसरा यह कि राज्य की 7 विधानसभा क्षेत्रों की कुछ सीटों पर पार्टी ने जीतने वाले नेताओं को टिकट न देकर कमजोर उम्मीदवारों को उतारा है। मैं इस तरह चुनाव नहीं लड़ सकती। सुचरिता पूरी सीट से भाजपा के संबित पात्रा और बीजू जनता दल के अरूप पटनायक के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। अरूप पटनायक मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं। दोनों ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। कांग्रेस ने 2014 लोकसभा चुनाव में भी सुचरिता को अपना प्रत्याशी बनाया था। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।